उद्घाटन के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हरवीर सिंह जी, छोटू जी और मंच पर विराजमान इस नवाबगंज के ब्लॉक के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान रवि प्रताप सिंह जी और इसी मंच पर विराजमान पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य श्रीमान अरुण सिंह जी और खंड विकास अधिकारी नवाबगंज श्री अभिनव सरोज जी, भारतीय जनता पार्टी के नवाबगंज के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र देवी जी और इस कुसुम्बी ग्राम सभा की प्रधान श्रीमती माधुरी देवी जी और सभी हमारे नवाबगंज ब्लॉक के सभी ग्राम के जनप्रतिनिधि के रूप में प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी हमारे मीडिया के बंधु और पत्रकार भाइयों और सभी जो यहाँ इस पंडाल में बैठे हैं, सभी हमारे मातृशक्तियाँ, सभी भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ और पदाधिकारीगण, प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताने का काम किया है, मैं एक नाम भूल गया हूँ, पूर्व चेयरमैन श्रीमान दिलीप लश्करी जी पीछे बैठे थे, मैं लगभग सभी लोगों को जानता हूँ, नाम लूंगा समय बहुत जाया होगा, गर्मी का दिन है, बहुत देर से ये बच्चे यहाँ बैठे हैं और हमारे भाई बहन भी बैठे हैं, कहने के लिए कुछ नहीं है, आप सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं, भले आप अपने ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हों और ये बात अलग है कि हम एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी लोग प्रतिनिधि हैं जनता के और जनता के शुभचिंतक हैं, जनता का कैसे कल्याण हो, ग्राम सभा का कैसे विकास हो और विकास की इस कड़ी में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की हो, सरकार इसके पहले भी रही है, आज़ादी के 75 वर्ष में पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास पर काम करती है, उसमें जिनकी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका भी मानना था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और असली भारत को देखना है तो असली भारत गांव में बसता है, इसलिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब ग्रामीण परिवेश को और गांव को दृष्टिगत रखकर सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, इसलिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब गांव गरीब किसान मजदूर के लिए, पहली बार अभी कायाकल्प योजना के तहत गांव में आपने देखा होगा कि हमारे जो प्राइमरी जूनियर विद्यालय हैं उनका कैसा विकास किया गया, कैसे उसमें प्रेरणादायक चित्र, टाइल्स, पत्थर, अन्य सुंदरता, जैसे कॉन्वेंट मॉन्टेसरी का वातावरण होता है वैसे हमारे ग्रामीण बच्चे पढ़ने जाएं वैसा वातावरण हमारी सरकार ने देने का काम, रंग बिरंगी ड्रेस, कॉपी किताबें, बैग, बैग जाड़े से बचने के लिए स्वेटर, पैरों में जूते और मोजे और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है जूनियर प्राइमरी का, हमारे पढ़े लिखे भाई बहन बैठे हैं, इतना अच्छा सिलेबस आपके मानती और श्री और कॉन्वेंट में नहीं, और ना होने का कारण यह है कि वहां की जो ट्यूशन की पद्धति है, अगर ये सिलेबस हम वहां लागू कर देंगे, इसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी है, तो उनकी ट्यूशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए इतना अच्छा जो सिलेबस हमारे प्राइमरी और जूनियर के बच्चों के पास है उनके पास नहीं है। हमारे बगल में एक
स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि मैडम सावित्री जी मंच पर विराजमान है। ऐसे ग्रामीण इलाकों में